सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पिता आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। देश की राजनीति पूरी गर्मा गई है। हालांकि जो इस समय राजनीति है, कहते हैं कि जो इत्र की जो फितरत होती है वो महकाने की होती है, महकने की होती है, और अपनी ही फितरत के अनुसार उसने राजनीति को भी महका दिया है और गर्मा भी दिया है। लेकिन इत्र किसका मित्र है, ये समझने वाली बात होगी। तो इस राजनीति पर पहली बार अखिलेश यादव इस बारे में बयान दे रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं, अखिलेश यादव इस पर क्या बोलने वाले हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन, जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा। तो देखा आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नोटों के नंबर से पता चल जाएगा सच, कि असल में सच क्या है और झूठ क्या है, इस बात का नोटों के नंबर से ये बात साफ हो जाएगी। तो इस सारे कांड पर अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज पर। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।